रहमत ला एसोसिएट की जानब से मुनीर हुसैन भट्टी सदारत उम्मीदवार लाहौर बार एसोसिएशन इलेक्शन 2024 और 25 की फुल सपोर्ट और हमायत का ऐलान किया गया। मुनीर हुसैन भट्टी के एजाज में कारिंग मीटिंग भी की गई और बैज लगाए गए। कार्निंग मीटिंग के चीफ गेस्ट हाजी सरफराज अहमद बड़ैच सदर एग्रस्टाउन लाहौर थे, जिनका कहना था कि मुनीर हुसैन भट्टी जीत कर बार और बेंच और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए बेहतरीन उम्मीदवार हैं। इंशाल्लाह भट्टी साहब की फुल सपोर्ट है, फुल मैत है, अल्लाह के फजलो करम नाल ये जीतेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव रहमतुल्लाह एसोसिएट मोहम्मद जावेद कुरैशी ने मुनीर हुसैन भट्टी की हमायत और फुल सपोर्ट का ऐलान किया। मुनीर भट्टी साहब हमारे कैंडिडेट हैं, इंतहाई प्रोफेशनल आदमी हैं और इनकी हम फुल वोट और सपोर्ट कर रहे हैं और ये यकीनन इलेक्ट होने के बाद बाहर की खिदमत करेंगे। कार्निंग मीटिंग और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुनीर हुसैन भट्टी का कहना था कि वो साथियों की सपोर्ट से कामयाब होकर वकला बरादरी की उम्मीदों पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने अगर मुझे कामयाबी दी तो हम इसके लिए अपनी पूरी एफर्ट करेंगे, पूरी जद्दोजहद करेंगे और उसके लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। कार्निंग मीटिंग में मोहम्मद जावेद कुरैशी, मोहम्मद शाहिद कुरैशी, हाजी सरफराज अहमद बड़ैच, नईम असलम सेक्रेटरी एग्रस्टाउन लाहौर, अशरफ जलाल एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, चौधरी बाबर छीना जट, चौधरी आलमगीर गुजर, चौधरी फरमान अली गुजर, जहांगीर आलम गुजर, वकार फजल बड़ैच, जमाल कुरैशी, फहीम कुरैशी, इमरान अनायत चौहान, खालिद महमूद खान, अम्मार इलियास, हाशिम अहमद राना, सुहेल अनवर, शाहिद शरीफ, बिलाल रजीक समेत मुगला बरादरी की कसीर तादाद मौजूद थी।